दोस्तों, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के नाम पर दुनिया के अंदर सबसे पहले रेलवे स्टेशन को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में एक के बाद एक ढेर सारे रेलवे स्टेशन बनाए गए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तवज्जो उन्हें मिली जिनकी खूबसूरती बेमिसाल है। 20वीं सदी में भी ऐसे ढेर सारे रेलवे स्टेशन बनाए गए जो अपने शानदार आर्किटेक्चर, पैसेंजर फैसिलिटीज और यूनिक होने की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हुए। अब सवाल ये है कि इन रेलवे स्टेशनों में ऐसी क्या चीजें हैं जो इन्हें दूसरे स्टेशनों से अलग करती है। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको रोमांच से भर देंगे, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, यह आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। ज्ञान टीवी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। साउदर्न क्रॉस स्टेशन। दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत रेलवे स्टेशन का जिक्र हो और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न क्रॉस स्टेशन का नाम शामिल ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। मेलबर्न शहर में मौजूद यह स्टेशन अपने इनोवेटिव और मॉडर्न डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। स्टेशन के रूफ को सैंड्यूज का आकार दिया गया है, जिसका डिजाइन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर डिजाइनर ग्रीन सॉ ने तैयार किया था। इस स्टेशन का निर्माण 1859 में पूरा हुआ था, लेकिन 2006 में इसे नए सिरे से डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में कई गुना का इजाफा हो गया। यहाँ आने के बाद एक सुखद एहसास होता है। 60,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस स्टेशन की छत को नेचुरल वेंटिलेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ खुलापन ज्यादा है। ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क। हमारे खूबसूरत स्टेशनों की लिस्ट में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना ये रेलवे स्टेशन भी प्रमुखता से शामिल है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग इसी रेलवे स्टेशन पर होती है। नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट और अवेंजर्स जैसी बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हुई थी। स्टेशन के अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बड़े टूरिस्ट प्लेस में एंटर कर रहे हैं। यह स्टेशन अपनी भव्य बिल्डिंग, शानदार आर्किटेक्चर, खूबसूरत पेंटिंग और हैरान कर देने वाली कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आमतौर पर मार्बल का इस्तेमाल जमीन के लिए किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की छतों पर मार्बल लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्टेशन के अंदर रेस्टोरेंट, फूड स्टोर, बार और ढेर सारे ग्रोसरी स्टोर्स भी मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन के अंदर हैं। एंटवर्पेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बेल्जियम में मौजूद इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किंग टू लियोपोल्ड द्वारा 20वीं शताब्दी में कराया गया था। स्टेशन की छत लोहे और कांच से बनाई गई है, यानी आपको चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे नजर आएंगे, जिसकी वजह से यह दूसरे सभी रेलवे स्टेशनों से बिल्कुल अलग दिखता है। स्टेशन का फ्रंट किसी 5-स्टार होटल की तरह लगता है, जिसे देखने के बाद पैसेंजर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फ्लोर पर ऐसे शानदार मार्बल्स लगाए गए हैं जो दूर से देखने पर पानी की तरह नजर आते हैं। स्टेशन का स्ट्रक्चर भी बहुत ही शानदार है, सिर्फ इसके डिजाइन पर ही करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टेशन की बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन 1986 में दोबारा रिनोवेशन के बाद यह फिर से अपनी पुरानी शान और शौकत में लौट गया। अगर आप कभी बेल्जियम जाएं तो इस स्टेशन पर विजिट करना ना भूलिएगा। नापोली एफ्रागोला। इटली का यह स्टेशन भी कम खूबसूरत नहीं है। स्ट्रक्चर के मामले में तो इसका कोई जवाब नहीं है, यह अपने आप में यूनिक है, जिसका मुकाबला दूसरे रेलवे स्टेशन से नहीं किया जा सकता। एफ्रागोला में मौजूद यह स्टेशन अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसका एरियल व्यू बहुत ही शानदार है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी क्रिएचर को देख रहे हैं। 2,20,000 स्क्वायर फीट में फैले और 82 फीट ऊंचे इस स्टेशन के अंदर 4 रेलवे ट्रैक हैं, जहां रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही होती है। खास बात यह है कि यह स्टेशन नेचुरल वेंटिलेशन पर चलता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। स्टेशन के अंदर ढेर सारी यूटिलिटी स्टोर है, जहां आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। कंजावा स्टेशन। अगर आप यूनिक और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर को देखना पसंद करते हैं तो जापान का यह स्टेशन इस पैमाने पर पूरी तरह खरा उतरता है। स्टेशन के फ्रंट साइड पर बने इस खूबसूरत लकड़ी के गेट में जापानीज कल्चर और आर्किटेक्चर की झलक दिखाई पड़ती है। स्टेशन की छत को डोम का आकार दिया गया है, जो पुराने जमाने की खूबसूरत स्टाइल में से एक माना जाता है। स्टेशन के कैंपस में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जहां इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी हुई है। घड़ी के लिए आमतौर पर वॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान का यह स्टेशन इस मामले में पूरी तरह अलग है। स्टेशन का निर्माण 2004 में पूरा हुआ था, जिसके बाद इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। गैरोड स्ट्रासबर्ग। फ्रांस के इस रेलवे स्टेशन को न सिर्फ दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन के रूप में कंसीडर किया जाता है, बल्कि यह काफी बड़ा भी है।
यह अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल वैल्यूज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक, इस स्टेशन को 2007 में नए सिरे से रिनोवेट कराया गया था, जिसके बाद इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके फ्रंट साइड को ग्लास की मदद से तैयार किए गए डोम के आकार के रूप से जोड़ा गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है। स्टेशन के कैंपस और इसके इंटीरियर पार्ट में हर वह चीज मौजूद है जो आमतौर पर एक 5-स्टार होटल में होती है। यही वजह है कि यहां आने के बाद लोगों को गुड फील होता है। गेयर डू ओरिएंटे। दोस्तों, अगर आपको किसी रेलवे स्टेशन के अंदर शॉपिंग मॉल, बस स्टेशन, मल्टीपल स्टोर्स और पुलिस स्टेशन दिख जाए तो कैसा महसूस करेंगे? आपको इस पर भले ही यकीन ना हो, लेकिन पुर्तगाल का यह स्टेशन अपने इन्हीं खासियतों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसका स्ट्रक्चर इतना शानदार है कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह स्टेशन पूरी तरह से यूनिक और हाईटेक चीजों से लैस है। स्टेशन के ज्यादातर हिस्सों को स्टील के ग्लास और शीशों की मदद से तैयार किया गया है। इसके हर हिस्से का शेप अलग है। यहाँ पर आने के बाद लगता है कि जैसे किसी क्रिकेट या फुटबॉल ग्राउंड पर पहुँच गए हैं। 1998 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे स्टेशन से पुर्तगाल के अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली ढेर सारी ट्रेनें गुजरती हैं। यह एक मल्टी मॉडल रेलवे स्टेशन है जिसमें कई दूसरी तरह की चीजें भी मौजूद है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों, मुंबई में बने छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। 1888 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी नाम से भी जाना जाता है। स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में कराया गया था, जो आज भारत की इम्पोर्टेंट विरासत में से एक है। उस जमाने के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम्स ने इसे इतनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन को बनाने में 10 साल लग गए थे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसका शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन में किया गया। ऐसा माना जाता है कि स्टेशन को बनाने में कई इंडियन आर्किटेक्ट की भूमिका भी थी। यहाँ से रोजाना करीब 28 लाख पैसेंजर सफर करते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह एक शूटिंग प्लेस भी है जहाँ आए दिन फिल्मों के लिए सीन शूट किए जाते हैं। सेंट पैनक्रास स्टेशन। 1868 में बनकर तैयार हुए लंदन का यह रेलवे स्टेशन अपने बेमिसाल इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा इनक्लोज स्पेस स्ट्रक्चर था, जिसे बनाने में 20 साल लग गए थे। स्टेशन के एक्सटीरियर वॉल पर लगे रेड मार्बल्स उस दौर के विक्टोरियन आर्किटेक्चर स्टाइल को दर्शाते हैं। ब्रिटिशर्स ने इस स्ट्रक्चर के आधार पर कई दूसरे देशों के अंदर भी रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया, जो आज भी मौजूद है। यह विशाल स्टेशन अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों पैसेंजर सफर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों ने यहाँ पहुंचकर अपनी जान बचाई थी, यानी वो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की मदद से अपनी मंजिलों तक पहुंच गए थे। लीज हिलमैन स्टेशन। बेल्जियम का यह स्टेशन अपने अनोखे कर्व के लिए मशहूर है। दूर से देखने पर यह एक प्लेग्राउंड लगता है। इसकी बनावट का कोई सानी नहीं है, आप वीडियो में देखकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शानदार डिजाइन के लिए इस स्टेशन को ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं। स्टेशन को छत को बनाने के लिए बेल्जियम को मशहूर ग्लास, जबकि स्टेशन के इंटीरियर पार्ट को बनाने के लिए व्हाइट कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यह स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा। अगर आपको कभी बेल्जियम जाने का मौका मिले तो इस स्टेशन के अंदर जरूर जाइएगा, यह किसी अजूबे से कम नहीं है। आपके हिसाब से इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।